नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बजे। और आज के वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जहां से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करेंगे और हम हर एक टाइप के कोडिंग डिकोडिंग को यहां देखेंगे, जो कि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के प्रीलिम्स के एग्जाम में, ठीक है। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसानी से आप इस टॉपिक से 5 नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर 5 नंबर का क्वेश्चन बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में पूछा गया था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना। और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा हुआ है अरेंज थिंग्स इन ऑर्डर। अब देखिए आपको बनाना कैसे, मैं स्टेप बाई आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अरेंज को AR लिख लिया आपने, अरेंज थिंग्स को TH लिख लिया। आपको केवल याद रहे कि अरेंज थिंग्स इन ऑर्डर, इन आपका 2 लाइन में लिखा हुआ है, अदर लिखा हुआ ना शायद, ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑर्डर को OR लिख लीजिए। अब इसका कोड क्या लिखा हुआ है, इसका कोड लिखा हुआ है PO। आप चाहे तो डायरेक्ट भी एग्जाम में बना सकते हैं, डायरेक्ट कोड भी निकाल सकते हैं, बट उसके लिए आपको पहले स्टेप तो आना चाहिए ना, तब बना पाइएगा। यहाँ पे IK लिखा हुआ है, यहाँ पे IK लिखा हुआ है और यहाँ पे MN लिखा हुआ है, ठीक है, इतना आप लोग को पता चल गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, नीचे वाला लिखना है ऑर्डर, OR ऑर्डर। उसके बाद यहाँ 4 FR लिख लीजिए 4 को। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखे, न्यू NW लिख लीजिए न्यू को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ, थिंग्स है, TS लिख लिए थिंग्स को। अब इसका कोड क्या लिखा हुआ है, इसका कोड लिखा हुआ है POGBFC, POGB, ठीक है, वैसे ही लिखा है POGB FC BB, ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं न्यू प्लेस टू ऑर्डर, न्यू NW प्लेस PL TO2 ऑर्डर, OR ऑर्डर, ये लिखा है ना। इसका कोड लिखा है GBCQBB। पहले लिखते हैं GBCQ लिखा हुआ है क्या, CQ BBRA, BBRA, इसको हम लोग चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी बोलते हैं। आगे देखिएगा, प्लेस इन अननोन कंट्री, प्लेस इन अननोन UN कंट्री, CN लिख लीजिए कंट्री को। दो अक्षर में ही सबको लिखना है, शॉर्ट में लिखना है कि आपको पहचान में आए। तो इसका हो जाएगा DRA LFIK, DRA LFIK लिखा हुआ है, कि क्या लिखा हुआ है, IK लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने इस क्वेश्चन को शॉर्ट में इसलिए लिखा कि मैं आप लोगों को समझा पाऊं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया हो, 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको निकालेंगे। तो यहाँ कॉमन क्या क्या है, देखिए ऑर्डर कॉमन है, ऑर्डर कॉमन है, ऑर्डर कॉमन है, 3 जगह ऑर्डर है, तो ऑर्डर का कोड क्या निकलेगा, ऑर्डर का कोड निकल जाएगा। यहाँ पे भी 3 जगह कॉमन होगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में देखिए क्या कॉमन है, PO PO 2 में कॉमन है, GB देखिए GB कॉमन है, GB कॉमन है, GB कॉमन है, तो ऑर्डर का कोड क्या निकलेगा, GB निकल जाएगा, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए और कुछ कॉमन है, इन कॉमन है, पहले के पास इन है, लास्ट के पास इन है, तो इन यहाँ लिखिए, इन दो आदमी के पास, दो स्टेटमेंट के पास कॉमन है इन, तो फर्स्ट और लास्ट में देखिए IK कॉमन है, यहाँ पे IK, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिए हम लोग I और K, यहाँ तक भी आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए थिंग्स यहाँ कॉमन है, और थिंग्स कहीं पे तो और लिखा हुआ है, थिंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड में थिंग्स कॉमन है, तो फर्स्ट और सेकेंड में कुछ तो कॉमन होगा, PO कॉमन है, और कोई कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो PO हो जाएगा थिंग्स का कोड, मतलब THINGS थिंग्स का कोड हो जाएगा, क्या थिंग्स का कोड हो जाएगा PO, ठीक है। आगे देखिएगा, थिंग्स का कोड हमने लिख लिया PO। उसके बाद AR अरेंज का कोड क्या हो जाएगा, अब अरेंज पूरा लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा, अरेंज का कोड ये बच गया MN, MN मतलब क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और कुछ है यहाँ पे, न्यू देखिए, न्यू यहाँ पे कॉमन है, न्यू यहाँ पे कॉमन है, तो न्यू का कोड यहाँ लिख लीजिए, तो न्यू का कोड क्या हो जाएगा, न्यू का कोड देखिए, न्यू का कोड क्या हो जाएगा, न्यू का कोड हो जाएगा सेकेंड और थर्ड में, तो सेकेंड और थर्ड में BV कॉमन है, BV कॉमन है सेकेंड और थर्ड में, तो BV हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड और थर्ड से BV हो जाएगा। FR मतलब अकेले बचा 4 का, FOR 4 ये लिखा हुआ था, तो इसका हो गया FC। यहाँ तक भी आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिएगा आगे, ये कॉमन हो गया, उसके बाद PL
पीएल, पीएल पे कॉमन है, पीएल मतलब क्या लिखा हुआ है, पीएल मतलब प्लेस लिखा हुआ है, तो प्लेस यहाँ कॉमन है, प्लेस यहाँ कॉमन है, ठीक है। तो प्लेस का कोड क्या हो जाएगा, प्लेस का कोड हो जाएगा थर्ड और फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ में रा कॉमन है, क्या कॉमन है, रा, तो प्लेस का कोड हो जाएगा रा, ठीक है। अगर मान लीजिए इन दोनों में से कुछ नहीं होता तो ये दोनों में से आइदर हो जाता, मतलब ये दोनों इसमें भी होते हैं तो आइदर हो जाता सी क्यू या बी भी। उसके बाद टू का कोड क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा, टू का कोड क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा, टू का कोड क्या हो जाएगा, सी क्यू। और कुछ बच गया, यहाँ पे ये दोनों बच गए, देखिए जैसा मैं कह रहा था, अभी मैं क्या कह रहा था कि अननोन कंट्री, अब अननोन कंट्री कहीं पे नहीं है, तो अननोन कंट्री का या तो ये डी ई हो जाएगा नहीं तो एल एफ हो जाएगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि व्हाट विल बी द कोड ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का कोड क्या होगा, देखिए तो ऑर्डर का कोड हमने निकाला हुआ जी बी, तो पहले का आंसर मिल गया जी बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोड फॉर ऑर्डर, ऑर्डर का कोड क्या हो जाएगा, जी बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, ऑर्डर का कोड क्या हो जाएगा, जी बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा आप लोग, ऑर्डर का कोड हमने जी बी निकाल लिया। तो उसके बाद आगे पूछा गया आपसे कि व्हाट मे बी द कोड फॉर द थिंग्स टू वैनिश, थिंग्स टू वैनिश, थिंग्स से, थिंग का कोड क्या है, पी ओ, टू का कोड क्या है, सी क्यू, यहाँ पे मैं लिखूँ ना, जो मिल गया पी ओ मिल गया, सी क्यू मिल गया, ये दोनों तो ऑप्शन में होंगे, और तीसरा एक क्या होगा ना, अपने मन से होगा, तो तीसरा देखिएगा पी ओ सी क्यू एच एक्स कहीं नहीं है, पी ओ सी क्यू एच एक्स है, पी ओ सी क्यू पी ओ, मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि एच एक्स यहाँ पे कोड में है ही नहीं, ये यूनिक है, और जो लिखा हुआ ना यहाँ पे थिंग्स टू वैनिस, वैनिस भी इस कोड में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है वैनिस, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करते हैं हम लोग, इसमें और क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट विल बी द कोड फॉर अरेंज, अरेंज का कोड क्या है, तो अरेंज का कोड हो जाएगा एम एन, देखिएगा कौन सा ऑप्शन में है, अरेंज का कोड हो जाएगा एम एन, ठीक है। उसके बाद व्हाट मे बी द कोड फॉर इन कंट्री, इन कंट्री का कोड क्या हो जाएगा, इन कंट्री, अब इनका कोड तो मिल गया हम लोग को, इनका कोड क्या मिल गया, इनका कोड मिल गया कहीं पे लिखे, इनका कोड, इनका कोड आई के हो जाएगा, तो आई के लिख देंगे, बट कंट्री का कोड कहीं नहीं मिला, कंट्री का कोड यहाँ पे यूएन का मतलब क्या है, यूएन अननोन कंट्री, तो कंट्री का कोड या तो डी ई हो सकता है या फिर एल एफ हो सकता है, तो यहाँ पे देखिएगा आई के साथ कुछ लिखा होगा, आई के आइदर ए और बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइदर ए और बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में हम लोग को डाउट है, और ए में क्या दिया हुआ है, ए में आपको दिया आई एफ है, एल एफ है, और बी में दिया हुआ है डी डी ई, तो आइदर ए और बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, बीबी कोड किसका है, तो बीबी कोड किसका है बता दीजिए, तो न्यू का कोड हो जाएगा बीबी। तो देख सकते हैं कि अगर एक बार 5 नंबर का कोडिंग डिकोडिंग आप बना लेते हैं तो कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग हटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, अब दूसरे टाइप में देखते हैं, दूसरे टाइप में आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। टाइप टू देखिएगा, टाइप वन दोस्तों हमने देख लिया, अब कोडिंग डिकोडिंग टाइप टू देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग टाइप टू देखिए, पूछा गया आपसे कि एक डिजिट बनाया गया, एक सिंबल का बनाया गया टेबल में, और जेड का कोड जैसे क्या लिखा हुआ है, एट द रेट लिखा है, एल का कोड है एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखा हुआ है, एफ का डॉलर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबका कोड आप देख लीजिए, उसके बाद कुछ कंडीशन दिया है उसको भी फॉलो करना है, क्या लिखा है कंडीशन, इफ द फर्स्ट लेटर इज वॉवेल एंड द लास्ट लेटर इज डिविजिबल बाय टू बोथ आर कोडेड एज प्लस है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट लेटर वॉवेल होगा और लास्ट लेटर इवन नंबर होगा, डिविजिबल बाय टू होगा, तो फर्स्ट और लास्ट को प्लस से डिनोट किया जाएगा। आगे देखिएगा, ए फर्स्ट एज वेल एज लास्ट लेटर ऑड नंबर ऑड देन बोथ आर कोडेड एज ए फर्स्ट डिजिट, मतलब पहला और अंतिम अक्षर ऑड होगा तो दोनों का कोड पहले डिजिट के कोड के अनुसार किया जाएगा। इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट देन दी लास्ट लेटर इज ऑड नंबर देन दी कोड ऑफ दी कोड एंड फर्स्ट और लास्ट आर टू बी इंटरचेंज, मतलब इस कंडीशन में कोड को इंटरचेंज किया जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है, हमारे पास स्पेस यहाँ पे है, देखिएगा क्वेश्चन 6 होगा ये, क्योंकि 5 क्वेश्चन वहां बनाए थे हम लोग। देखिएगा डब्ल्यू एक्स है, मैं यहाँ लिखता हूँ डब्ल्यू एक्स है, 6 है, जेड है, एफ है 1, पहला लेटर क्या है, पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, लास्ट लेटर क्या है ऑड नंबर है, ऐसा कोई कंडीशन लिखा हुआ है
फर्स्ट एज वेल एज लास्ट ऑड नहीं है, कॉन्सोनेंट लास्ट है, डिजिट ऑड नंबर, थर्ड कंडीशन पे ये गया, ठीक है ना, थर्ड कंडीशन पे गया। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि कोड को पहले और लास्ट के कोड को इंटरचेंज करेंगे। मतलब W का कोड क्या है, W का कोड देखिए, तो W का कोड और वन का कोड, वन का कोड मिल गया पावर, मतलब ये हो जाएगा W का कोड, और W का कोड क्या है, W का कोड देखिए तो ये इन्फिनिटी का साइन, तो ये ऑप्शन में कहीं दिया होगा। तो ऐसा कितना ऑप्शन है, ऐसा ए और सी दो ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद एक्स का कोड, अब बाकी सब का कोड क्या करते हैं, ऐसे ही लिख देना जैसा लिखा हुआ है। तो एक्स का कोड हो जाएगा ये साइन है एक्स का कोड, सिक्स का कोड क्या दिया हुआ है, छह का कोड देखिएगा, यूरो का साइन है सिक्स का कोड, ऐसे करके यूरो का साइन। उसके बाद सिक्स के बाद देखिएगा जेड का साइन क्या दिया है, जेड का सिंबल दिया हुआ है, जेड का सिंबल दिया है एट द रेट, तो यहाँ लिखिए एट द रेट। और फिर एफ का सिंबल लिखेगा, एफ का कोड क्या लिखा हुआ है, एफ का कोड लिखा हुआ है डॉलर, एफ का कोड डॉलर, और फिर इन्फिनिटी। अब ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ये मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, क्या आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेवन। देखिएगा यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इस बार मैं क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन का कोड को लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन के कोड को लिखते हैं। क्या लिखा है, एफ ई वन एक्स आई लिखा है शायद, आई और सिक्स। अब यहाँ देखिएगा पहला जो लेटर है वो क्या है, फर्स्ट एज वेल एज लास्ट ऑड वॉवेल, और पहला कंडीशन में वॉवेल होना चाहिए, तो पहला कंडीशन भी नहीं फॉलो किया, दूसरा कंडीशन भी नहीं फॉलो किया, तीसरा कंडीशन भी नहीं फॉलो किया, क्योंकि अंतिम में क्या है, अंतिम में क्या है यहाँ पे इवन नंबर, सिक्स क्या होता है इवन नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो कोड होगा वही लिख देंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एफ एफ ई एक्स नहीं एफ ई वन एक्स सिक्स, ये इवन नंबर है इसलिए तीसरा कंडीशन फॉलो नहीं किया। अब जो कोड है वही लिख दीजिए, यहाँ पे देखिएगा एफ का कोड क्या है डॉलर, एफ का कोड क्या हो गया डॉलर, ई का कोड क्या हो गया, ई का कोड खोजिए यहाँ पे, ई का कोड है ये, वन का कोड क्या हो जाएगा, वन का कोड देखिए तो वन का कोड है म्यू, वन का कोड हो गया म्यू। एक्स का कोड क्या है, एक्स का कोड हो जाएगा, एक्स का कोड देखिए तो ये, और उसके बाद सिक्स का कोड कितना लिखा हुआ है, छह का कोड यूरो लिखा हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठ को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आठ में लिखा हुआ है फाइव एल टू, फाइव एल टू आई ए वन, फाइव एल टू आई ए वन, फर्स्ट है ऑड नंबर लास्ट है वॉवेल, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, फर्स्ट ऑड नंबर लास्ट है वॉवेल, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे का तैसा लिख देंगे, मतलब जो कोड है वही लिख देंगे। फाइव का कोड देखे तो फाइव का कोड है ये ट्रायंगल, ठीक है, फाइव का कोड हो गया ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग को एल का कोड लिखना है, तो एल का कोड है हो गया एक्सक्लेमेटरी का साइन हो जाएगा। उसके बाद एल का कोड हो गया, टू का कोड क्या हो जाएगा, लेस देन का साइन हो जाएगा, टू का कोड हो जाएगा लेस देन का साइन हो जाएगा। आई का कोड देखिएगा, आई का कोड म्यू हो जाएगा, आई का कोड क्या हो जाएगा म्यू हो जाएगा। उसके बाद आई का कोड म्यू हो जाएगा, ए का कोड देखिएगा, ए का कोड एंड का साइन हो जाएगा ए का कोड, और आई का कोड फिर से क्या लिखा हुआ, आई का कोड म्यू, और जो मुझे लगता है पहला नहीं वन का कोड अब हम लोग लिखना है, वन का कोड होगा ये, यहाँ वन लिखा हुआ है, यहाँ पे वन लिखा हुआ है। अच्छा ये तो फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट क्या हो जाएगा, अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर आठ को देखते हैं, अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर आठ को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर आठ, फर्स्ट लेटर ऑड नंबर लास्ट लेटर ऑड नंबर, ऐसा किस कंडीशन में लिखा हुआ है, तो दूसरे कंडीशन में देखिए सेम चीज लिखा हुआ है। अगर फर्स्ट और लास्ट ऑड होंगे तो क्या होगा कि कोडेड बाई फर्स्ट, मतलब जो पहले का कोड होगा वही लास्ट का कोड होगा। तो फाइव का कोड देखिए, फाइव का कोड ट्रायंगल है, तो फर्स्ट और लास्ट क्या हो जाएगा ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब बाकी जो बच गया उसका कोड ऐसे ही लिखेंगे। तो एल का कोड क्या लिखा हुआ है,
एक्सक्लेमेटरी का साइन लिखा हुआ है। टू का कोड क्या लिखा हुआ है, टू का कोड यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, टू का कोड है लिस्टिन का साइन लिखा हुआ है। आई का कोड क्या लिखा हुआ है, आई का कोड म्यू लिखा हुआ है, आई का कोड म्यू लिखा हुआ है। ए का कोड क्या लिखा हुआ है, ए का मतलब लिखा है एंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप आंसर में देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 हमने बना लिया, अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं, 9 और 10 एक साथ है, तो देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि E2ZA6 है, ये पहला कंडीशन, पहला वॉवल लास्ट इवन नंबर, यही बोला है ना, टू से डिविजिबल। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बोथ आर कोडेड प्लस है, मतलब पहले को भी क्या करेंगे प्लस दे देंगे और आखिरी को भी क्या करेंगे प्लस दे देंगे। टू जेड ए, टू का कोड क्या लिखा हुआ है, टू का कोड क्या लिखा हुआ है, देखिए तो टू का कोड हो जाएगा 1 2, लिस्टिन का साइन है टू का कोड। जेड का कोड क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, जेड का कोड क्या लिखा हुआ है, जेड का कोड एट द रेट लिखा हुआ है, जेड का कोड एट द रेट लिखा हुआ है। और ए का कोड क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, ए का कोड एंड लिखा हुआ है। तो ये आंसर देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 10, आई जेड टू डब्ल्यू टू, आई जेड टू डब्ल्यू टू, मतलब फर्स्ट वॉवेल लास्ट डिविजिबल बाय टू। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, पहला कंडीशन फॉलो करता है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे प्लस प्लस दे देंगे, मतलब दो बार प्लस ऐसे दे देंगे, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे कोड लिखेंगे, बाकी जो बच गए उनका कोड ऐसे ही लिख देंगे। तो जेड टू डब्ल्यू का कोड लिखना है, तो जेड का कोड क्या लिखा हुआ है, एट द रेट, जेड का कोड लिखा हुआ है एट द रेट। उसके बाद टू है ना, जेड टू डब्ल्यू, टू का कोड क्या लिखा हुआ है, टू का कोड है लेस देन, टू का कोड है लेस देन। और डब्ल्यू का कोड जल्दी से लिखे तो डब्ल्यू का कोड है इन्फिनिटी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा प्लस एट द रेट लेस देन इन्फिनिटी फिर प्लस। तो दोस्तों हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग के जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते थे वो हमने खत्म कर दिया है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उनको जाके देख लीजिएगा। मैंने मैथ्स पहले ख़त्म कर दिया, रीजनिंग भी ख़त्म हो जाएगा, कल तक ख़त्म हो जाएगा रीजनिंग। तो ये वीडियो आप लोग को आज ही ख़त्म हो जाएगा। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा इसके लिए थैंक यू। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। थैंक यू।